बिहार के सियासी घटनाक्रम में इंडिया गठबंधन को लगे झटके के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, थोड़ा सा दबाव पड़ते ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान यात्रा में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सा दबाव और उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन दबाव क्यों? क्योंकि हमारा गठबंधन उन मुद्दों को उठा रहा है जो लोगों के लिए मायने रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अभी जो अखिलेश जी का भाषण चल रहा था, तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया, आपके राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में चुटकुला है। आपके मुख्यमंत्री गवर्नर के यहाँ शपथ ग्रहण के लिए गए, बड़े धूमधाम था। वहीं बीजेपी के नेता गवर्नर साहब बैठे थे, मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद की शपथ ली जाती है तभी वह निकल जाते हैं सीएम हाउस के लिए। गाड़ी में पता चलता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर छोड़ा है। इस पर वो ड्राइवर से गवर्नर के घर वापस चलने को कहते हैं। जैसे ही गवर्नर के पास जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तो गवर्नर कहते हैं, अरे इतनी जल्दी आ गए, ऐसे हालात हैं बिहार के, थोड़ा सा दबाव पड़ा, यू टर्न ले लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, समझिए नीतीश जी क्यों फंस गए। मैंने उनसे सीधा कहा, बिहार में जातीय जनगणना करनी होगी और हमने आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश जी से सर्वे करने पर जोर दिया, लेकिन बीजेपी डर गई, वे इस योजना के विरोध में है। नीतीश जी फंस गए और बीजेपी ने उन्हें भागने के लिए बैकडोर मुहैया करा दिया। लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना हमारी गठबंधन की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें नीतीश जी की जरूरत नहीं। बिहार में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही राज्य में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हो गया है। इस्तीफा देने के बाद वह एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्हें नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। रविवार शाम 5 बजे नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक की बैठक में कहा कि अब साथ रहना मुश्किल है और इस्तीफा का वक्त है। नीतीश कुमार का यह कदम उस इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके सूत्रधार वे खुद रहे थे। मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।